माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था, और उसी समय कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को अलॉटमेंट किया गया था 2 घंटे 56 मिनट, और कांग्रेस पार्टी बाद में एक्सटेंशन मांगा और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, सब पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी को आखिरी में 3 hours 48 minutes 3 घंटे 48 मिनट कांग्रेस पार्टी को बोलने के लिए समय दिया गया, और उसमें कल मणिपुर के एक एमपी को बोलने दिया और दूसरे मणिपुर के कांग्रेस एमपी को कांग्रेस ने टाइम नहीं दिया। लोकसभा में बिल पे चर्चा या मोशन पे चर्चा होती है तो उसका स्पीकर्स कौन बोलेंगे ये पार्टी तय करते हैं, और कांग्रेस ने जानबूझ करके मणिपुर के उनके एमपी को बोलने के लिए मौका नहीं दिया, और जब टाइम खत्म हो गया और 4 बजे में तय हो चुका है, कल ही तय हो गया कि प्रधानमंत्री जी 4 बजे जवाब देंगे, और उसके बाद जबरदस्ती जानबूझ करके उसका आज पूरा खोल गया, उसका पोल खोल गया। इंटेंशन इतना खराब था कि जब देना चाहिए तब मौका नहीं दिया, और प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़ा हुआ तब मणिपुर के एमपी को नाम दे करके फिर बोलने नहीं दिया, ऐसा झूठ बोल करके फिर हंगामा कराया। पिछली 10 साल में हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी ये लोग सारा हंगामा करते रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं बोलते हैं, ये सदन का नेता भी है, देश का प्रधानमंत्री है, सबको सुनना होता है, ये कभी सुनते ही नहीं प्रधानमंत्री जब बोलते हैं। इतना गलत तरीके से कांग्रेस ने जो किया है, और मणिपुर के लोगों को कांग्रेस माफी मांगना चाहिए, ये संवेदनशील ये मसला है, और अगर कांग्रेस का एमपी को जो मणिपुर से है बोलना था तो राहुल गांधी के बाद उसका नाम क्यों नहीं दिया, और कांग्रेस 2 दिन का चर्चा में उसको क्यों समय नहीं दिया, और 4 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री का बोलने का तय हो चुका समय तब नाम दे करके फिर लोकसभा में हंगामा करने का नाटक करता है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम लोग रेजुलेशन पास किया आज लोकसभा में कि इस तरह का सदन के नेता और देश का प्रधानमंत्री जी का जवाब के समय जो हरकत किया है श्रीमान राहुल गांधी जी, प्रतिपक्ष के नेता खुद लोगों को खींच खींच करके वेल में भेज रहे हैं, ऐसा व्यक्ति इतना एक संवेदनशील जो समय में एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह का हरकतें करना, ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है, और हम लोग सब खंडन किया है, रेजुलेशन भी पास किया है, और देशवासियों को भी ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि कांग्रेस का नियत ही ठीक नहीं है। सर क्या